आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली से राजनीति की आज की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई। सचिवालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अपने 3 मिनट 30 सेकंड के संबोधन में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने 8 बार अरविंद केजरीवाल का, 4 बार प्रभु श्री राम का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम से कर डाली, अपने लिए भरत का दर्जा तय कर लिया। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। दिल्ली के लोग फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। और इसी के साथ दिल्ली में खड़ाऊ राज शुरू हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में अब 2 कुर्सियां हैं, एक सफेद रंग की जो आतिशी ने अपने लिए लगवाई है, दूसरी भूरे रंग की जो भविष्य के मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में खाली पड़ी है। आतिशी ने जो रामायण कथा सुनाई उसी से बीजेपी खर, दूषण और ताड़का निकाल लाई। पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खर, दूषण और ताड़का खुद को राम, लक्ष्मण और भरत होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये मोहिनी ड्रामा कंपनी की नौटंकी पर अब पर्दा गिरने का समय आ गया है। ये चमचागिरी की पराकाष्ठा है। कोई शपथ लेने की जरूरत नहीं थी ना, वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, ऐसी कुर्सी पड़ी रहने देते खाली। कानूनी रूप से मेरे ख्याल से इसमें कानूनी तौर पर कोई प्रावधान नहीं है कि कौन किस कुर्सी पर बैठता है, तो उन्होंने अपनी जो एक श्रद्धा है, जो उनका विश्वास है, जो उनकी सोच है, उसको उन्होंने उसके माध्यम से सबके सामने रखा है। दिल्ली में जून के महीने यानी लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गलबैया डाले घूम रही थी, लेकिन रिश्तों में 100 दिन की दूरी का असर कहें या फिर दिल्ली चुनाव को लेकर अब तक गठबंधन ना हो पाने की खींच, सीएम दफ्तर में डबल कुर्सी वाली बात कांग्रेस को भी हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि आतिशी ने खुद ही खुद को डमी सीएम बना दिया। भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। आतिशी जी ने आज हद कर दी है। आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, तो मुझे कोई उम्मीद अब बची नहीं है। दिल्ली में सीएम परिवर्तन पर आम आदमी पार्टी ने लाइन लेंथ तभी साफ कर दी थी जब सीएम पद की शपथ लेने के बाद आतिशी ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। अब बारी खड़ाऊ राज की है और सामने 4 महीने की चुनावी तपस्या है जिस पर केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस तीनों की उम्मीदें टिकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।